माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो हम सब लड़कियों के लिए, हम सब लेडीज़ के लिए वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज कोई ब्यूटी की या फिर किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगी मैं। आज मैं बात करूँगी हमारी हेल्थ की। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मैं कोई डाइट चार्ट आपको प्लान करके बताऊँगी या कुछ और, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है वो, जो आगे जाके हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आती हैं उससे बचाता है। लेकिन वो कौन सी प्रॉब्लम आती है, कब आती है, वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और जो आपके, उम्मीद करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले मैं उन सब गर्ल्स को, उन सब लेडीज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो मेरी इस वक्त वीडियो देख रही हैं। उन सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस बोल सकती हूँ मैं। सो आजकल यू नो कोई फ़र्क नहीं है लड़का लड़की में। सो जो भी होगा अच्छा होगा हम सब के लिए। एंड आज मैं आप लोगों को अपनी हेल्थ और अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे के लिए क्या कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत हैं, उन सब के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये टिप्स आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी जो खाली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात नहीं है, ये सभी आम लोगों की भी बात है, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हों, स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना। किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ना नॉर्मल बंदों को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बेबी के ऊपर सीधा सीधा जाता है। उसकी ग्रोथ, उसकी हर एक, मतलब उसकी ग्रोथ के ऊपर भी उसका असर होगा आपका, यू नो आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप स्ट्रेस से दूर रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस लेना बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेबी के लिए बुरी बात है। तो सेकंड पॉइंट होगा मेरा कि जो आपका डाइट है, अगर आपको एक डाइट चार्ट डॉक्टर ने बना के दिया हुआ है, आप उसको तुरंत फॉलो करने लग जाइए। अगर आपके पास डाइट चार्ट नहीं भी है लेकिन आप टाइम टू टाइम अपना डाइट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको वो बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर आप अपना डाइट बीच में मिस कर रहे हो, कहीं बिजी हो, काम में फंस गए हो, या कहीं बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपने अभी तक डाइट नहीं ली है, वो बहुत गलत बात है। आपको प्रॉपर अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको अपनी डाइट लेनी पड़ेगी। सो ये बात का ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए। इसके साथ साथ पानी की कमी बहुत हो जाती है, जो हमें पता है पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपको तुरंत सलाह देता है कि आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम आपको एक दिन में, मतलब 24 घंटे में आपको 7 से 8 गिलास तो पानी के पीने ही चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपके अंदर पानी में कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जो बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भी जो आपको आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ
कुछ सीख के नहीं आई हूँ, कुछ डॉक्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे जैसे अपने बड़े बुजुर्गों से सुना सीखा वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो बोलते हैं कि जो पानी के साथ बच्चा जो हमारे पेट में होता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है अगर हम लोग पानी पीते हैं, वो उसको मूवमेंट के लिए थोड़ा हेल्प मिलता है, अगर पानी नहीं होगा तो बच्चा मूवमेंट कम करता है। सो डिहाइड्रेशन के साथ साथ हमें पानी की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि जैसे अब खाने पीने की भी बात चल रही है, हमें सब डाइट लेनी चाहिए, लाइक दूध लेना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, यह सब लेना चाहिए, फ्रूट हो गया, ठीक है, एंड वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एंड कुछ भी आप हेल्दी डाइट जैसे कि ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं, ये नहीं है कि वो गर्म होते हैं लेकिन अच्छी, ठीक, ज़्यादा नहीं, मतलब कि कुछ हद तक आप वो ले सकते हैं डेली में, ठीक है। लेकिन आपको पाइनएप्पल और पपीता, ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पपीता में विटामिन सी हाई मात्रा में होता है एंड वो बच्चे के लिए सही नहीं होता है, एंड सेम जो हमारा पाइनएप्पल होता है वो भी थोड़ा सा गर्म होता है। सो थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को ना ले तो सही, इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, बाकी सारे फूड आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो क्या करती हैं कि काम करने लग जाती हैं, जब वो एक काम, कुछ भी, चाहे वो डस्टिंग है, चाहे वो ऑफिस का काम है, घर का काम है, जो भी है, वट एवर, जो भी वो काम करती हैं वो उस चीज़ को लेके बैठ जाती हैं, जब तक मतलब कि वो काम ख़त्म नहीं होता वो उठती नहीं है, वो उस काम में लगी रहती हैं। नो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर आपका काम है उसको, उसके लिए आपका मतलब आपको 10 मिनट लग रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको ख़त्म करने में, तो आपको बीच में रेस्ट करनी चाहिए। आपको ये नहीं है बस वो मैं अभी काम निपटा के ही उठूँगी, मैं पहले नहीं रेस्ट कर सकती, नो ऐसा नहीं है, आपको बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करके अपना वापस से अपने काम पे लग जाए। तो ऐसे करने से आपको एक तो आपकी बॉडी में थकावट नहीं होगी, आपको बॉडी को रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, इस हालत में आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, आपको एनर्जी भी आपकी रहेगी। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है, कई औरतें सोचती हैं कि अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, नो ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से काम करते आ रहे हो और कोई एक्सरसाइज भी करते आ रहे हो, तो आप एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से बात करके वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। काम करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपका माइंड भी आपका फ्रेश रहता है, एंड वॉक तो ज़रूर करनी चाहिए। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दी हुई है, टोटली बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है, तो आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप टोटली बेड रेस्ट ही लो। मतलब ये मैं दो पॉइंट बोल रही हूँ, अगर उन लड़कियों को डॉक्टर बेड रेस्ट बोलता है तो उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको टोटली बेड रेस्ट ही करना चाहिए, नो एक्सरसाइज। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप काम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपको वो काम करने में कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। इसके साथ साथ मोस्टली गर्ल्स क्या करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टाइट ड्रेसेस डालती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में ये नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लड़की है उसको हमेशा लूज ड्रेसेस डालनी चाहिए, उससे क्या होता है, एक तो आप कंफर्टेबल जोन में रहते हो लूज ड्रेसेस में, ठीक है,
और सेकेंडली आपका जो बेबी का ग्रोथ होता है ना, वो मतलब कि आपका पेट बड़ा होता है, पेट बड़ा होने का मतलब है बेबी का ग्रो हो रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर उसका ग्रोथ हो रहा है तभी आपका पेट बड़ा होता है, लेकिन अगर उसको आप टाइट करके रखेंगे, अपने पेट का, पेट के एरिए को टाइट करके रखेंगे, तो उसको थोड़ा ग्रो करने का मतलब कम हो जाता है, आपका पेट का पेट बढ़ना भी थोड़ा कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि आप अपना जो पेट है, जो अपना ड्रेसेस हैं, वो हमेशा लूज डालें। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ हाई हील्स डालने की बहुत बड़ी गलती करती हैं, रिस्क लेती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हाई हील्स बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट यूज़ करनी चाहिए अपने जूते जो भी हैं उन वो डालती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको टोटली फ्लैट चप्पल डालो, जूते जो भी डालना है डालो, लेकिन हाई नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपका बैक पेन रहेगा, एंड सेकेंडली आपको यू नो आप चलने फिरने में भी अनकम्फर्टेबल फील करोगे, एंड इसके साथ साथ आपका एक डर रहता है कि कहीं पाँव ऐसे ना लचक जाए, और आपका गिरने का डर जो है वो बढ़ जाता है। सो हमें सेफली चलना चाहिए, जो भी है आपको फ्लैट ही डालने चाहिए जूते। एंड प्रेग्नेंट लेडी को स्टेयर्स चढ़ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका पाँव फिसलने का डर रहता है। सो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, गीली जगह के ऊपर पाँव नीचे, बारिश पड़ रही है ऐसे नहीं निकलना चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इस कंडीशन में प्रेगनेंसी में आपको खाने की बहुत ज़्यादा एकदम से भूख लगने लग जाती है। बहुत सी लेडीज़ को मतलब मन करता है कि मैं बाहर का खाना खाऊं, यू नो फास्ट फूड खाऊं, जंक फूड खाऊं, स्पाइसी फूड खाऊं, वो सब अवॉइड कीजिए आप। बाहर का मोस्टली मैं बोलूँगी, कभी कभार हो गया खा लिया, बट उसी जगह से खाओ जहाँ प्रॉपर यू नो ग्लव्स वगैरह डाल के काम किया जाता हो, सब चीज़ें वगैरह बनाई जाती हो, मतलब कि साफ सुथरी जगह पे खाना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी जाके, क्योंकि एक तो वैसे भी अगर स्पेशली मॉनसून चल रहे हैं, मॉनसून में तो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। सो बाहर की चीज़ें मोस्टली अवॉइड ही कीजिए। आपका जो भी मन कर रहा है, आप घर पे बैठ के, घर पे बना के, बनवा के किसी से खा लीजिए, वो बेटर रहेगा। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बाहर का अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ यू नो मोस्टली क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो हमारी बॉडी जब बच्चे की ग्रोथ होने के कारण बॉडी पेट है जो वो स्ट्रेच होने लगता है, तो बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा उस वक्त सेंसिटिव होती है। तो जब वो स्ट्रेच होता है तो हमारी स्किन है जो हमारा मतलब हमारा स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, यू नो वो बहुत ही ज़्यादा गंदे भी लगते हैं। सो उनको कंट्रोल करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, एंड बायो ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका डॉक्टर आपको कोई भी और जो भी क्रीम वगैरह देता है लगाने के लिए, आप वो आप रेगुलरली लो। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें मॉइस्चराइज की कमी हो जाती है, सो आप डेली अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी स्किन प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली ड्राई रहती है, सो उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉइस्चराइज करके रखें। एंड इसी तरह से हमें प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमें यू नो सिर दर्द शुरू हो जाता है, बुखार आ जाता है, खांसी, जुकाम वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर में जो मेडिसिन पड़ी होती है, जो भी टैबलेट होती है, हम वो ले लेते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमें ये मतलब कि बिल्कुल भी नहीं ये काम करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर की परमिशन के आप कोई भी मेडिसिन ऐसे ही प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हो।
आपको कुछ भी लेना है डॉक्टर से बात कीजिए, आपका जो भी डॉक्टर है उनसे कंसर्न करके आपको वो मेडिसिन देगा, वो लोग घर में पड़ी हुई ऐसी कोई भी मेडिसिन उठा के आपने नहीं लेनी है। ये आप बात मतलब अपने ऐसे बोलते नहीं है लड़ बांध लो वो चीज़ होती हैं। सो इसके साथ साथ हमें डॉक्टर प्रेगनेंसी में बहुत सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह की मेडिसिन देते हैं, जो वो मेडिसिन हमें मोस्टली क्या करती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के उनको स्किप कर देती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में आयरन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। सो हमें ये सब मेडिसिन लेने चाहिए टाइम टू टाइम, एंड उसके उससे हमें हमारे शरीर को ताकत मिलती है। सो ये सब हमें स्किप नहीं करना चाहिए। एंड अभी जो मैं बात बोलने जा रही हूँ वो थोड़ा सा यू नो पर्सनल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मतलब अवॉइड कीजिए इंटीमेट होना, क्योंकि पहले 3 मंथ तो मोस्टली अवॉइड ही करने चाहिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात करके ही कुछ भी डिसीज़न लें, मोस्टली आपको अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें। प्रेगनेंसी के दौरान आप कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल भी ना लें, ठीक है, कॉफ़ी आपको नहीं लेनी है। एंड अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो या कुछ भी ड्रिंक वगैरह करते हो तो आपको प्रेगनेंसी में वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप करते हो तो आपको प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं है, ना आपके लिए सेफ है ना आपके बच्चे के लिए सेफ है। सो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर आप कहीं ऐसी जगह पे बाहर जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, उस जगह से आप तुरंत निकल जाइए। वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप बस निकल जाइए, वो चीज़ आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, वो जो पोल्यूशन है जो भी है। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने जो नेल्स हैं, नाखून हैं, वो कट करके रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नेल्स बढ़ाते हैं, मानिए ना मानिए, हम जितनी चाहे मर्जी सफाई करके रखें, लेकिन जो हम फूड खाते हैं उसमें अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा गंदगी हमारे नाखून के ज़रिए अंदर चली गई तो फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सो अपने कोशिश करिए कि नाखून को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कट करके रखिए। एंड इसके साथ साथ आपको जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि वॉक वगैरह करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुली हवा में आपको सांस लेनी चाहिए, खुली हवा मतलब ऑफकोर्स पार्क वगैरह में चल जाइए वॉक करने के लिए चल जाइए। एंड इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि आपको लगातार अपना डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना चाहिए। कुछ भी आपको फील होता है कि समथिंग रॉन्ग या कुछ भी ऐसा, तो आपको अपने डॉक्टर के हमेशा टच में रहना चाहिए। एंड आपका हमेशा जो भी आप खाने पीने का ध्यान है, सोने का ध्यान है, वो ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में लेडीज़ को मोस्टली 7 से 8 घंटे के लिए नींद लेनी चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है प्रेगनेंसी में लड़कियों को नींद नहीं आती है, लेकिन अगर रात को नहीं आती है किसी भी वक्त आप 8 घंटे तो अपनी नींद पूरी लेंगे ही लेंगे, ये आप ध्यान रखना। एंड इसके साथ साथ आप मतलब जो भी आपका है रूटीन है आपका, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक खाने पीने का रूटीन है। सो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में ये सब कुछ प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। एंड और जो आपका आने वाला शिशु है वो भी बहुत हेल्दी होगा। एंड आपको काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करने से बेटर रहेगा कि आप ये सब चीज़ें अपनी फॉलो कीजिए। एंड आपका वो पीरियड है जो प्रेगनेंसी का, वो बहुत ही अच्छे से निकले। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो प्रेगनेंट हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।
एंड लव यू अ लॉट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड रेड बटन का यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के, एंड उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आपके पास मेरे आने वाली सारी बाकी जो वीडियोस हैं वो भी उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज.